फ्रेंड्स, मैं सविता सिखावत, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने चाय की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। चाय तो हम हमेशा ही पीते हैं, लेकिन आज हमने जो चाय की रेसिपी तैयार की है उसको आपने शायद पहले कभी नहीं पिया होगा, क्योंकि ये पीने में इतनी टेस्टी होती है और इसका जो फ्लेवर है एक स्मोक वाला, वो तो लाजवाब है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम एक पतीले को गैस पे रख लेंगे और हमें जितनी चाय बनानी है उसी हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। यहाँ पे हम 2 कप चाय बना रहे हैं, तो हमने 1 कप पानी ले लिया है, उसको उबलने देंगे। और साथ में हम इसमें 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती और 3 से 4 चम्मच हम इसके अंदर शक्कर के डाल रहे हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम इसके अंदर ग्रेट करके डाल देंगे। अदरक डालने के बाद अब हम इसको उबलने देंगे। जब तक ये धीरे धीरे उबल रही तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये हम छोटी गैस चालू कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है। इस प्रोसेस के लिए हमें मिट्टी का ही बर्तन लेना है। इसको हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है तो हम चाय को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी चाय भी उबल कर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हमने दूध डाल दिया है। दूध भी हमने 1 कप लिया है, जितना हमने पानी लिया था। अब चाय के अंदर हम 2-3 उबाल आने देंगे ताकि चाय पत्ती का जो फ्लेवर है चाय के अंदर एकदम अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हमारी चाय बनकर तैयार हो गई है। इसको हम हटा लेते हैं और चाय को छान लेंगे। तो ये मिट्टी का बर्तन भी एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसको एक पतीले के अंदर रख लेंगे और गर्मा गर्म चाय को हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए, चाय हमने इसके अंदर डालते ही इसके अंदर कैसे स्मोक बन गया है। इसके अंदर जो है स्मोकी फ्लेवर इतना टेस्टी हो जाता है कि जब आप पियेंगे तो आपको अलग से महसूस होता है। इसलिए आप इसको बनाकर एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मिट्टी के बर्तन को चाय से हटाकर इसको हम कप में छान लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म चाय पीने के लिए तैयार है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।